नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, हमारे घर में जब भी गरीबी आती है तो घर में गरीबी का कारण हमारी कुछ गलतियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि घर में गरीबी को दावत हम खुद देते हैं। किस तरीके से देते हैं और गरीबी का कारण क्या है जो हमारे घर को इतना परेशान करती है, इसके बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो आप आखिर तक अवश्य देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल से ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, आप भगवान श्री कृष्णा जी के भी सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिख दें। भगवान श्री कृष्णा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको गरीबी मुक्त रखेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्री और महान ज्ञानी चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य गरीबी का जिम्मेदार समय होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुरूप अपनी जीवन शैली को नहीं ढालते, जिसकी वजह से हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि जो स्त्री रसोई घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखती और महामारी यानी कि मासिक धर्म होने के बावजूद भी रसोई घर में आना जाना बनाए रखती है, वो औरत घर को गरीब बनाने में अहम रोल निभाती है। कृष्णवाणी में लिखा गया कि रसोई हमारे घर की पवित्रता का प्रतीक होती है। जिस तरीके से हमारे घर में बना हमारा पूजा स्थल, हमारे घर में बना हमारा मंदिर पवित्र होता है, उसी तरह से हमारा अन्न ग्रह हमारी रसोई घर भी पवित्र होती है। जो हमारा पेट भरती है वो रसोई घर मंदिर की तरह पवित्रता कायम करवाना चाहती है। जो स्त्रियां मासिक धर्म होने के बावजूद भी रसोई घर में खाना बनाती है, वो स्त्री घर को गरीब बनाने में मुख्य रोल निभाती है। भगवान श्री कृष्णा के मुताबिक ऐसी औरत जो मासिक धर्म होने के बावजूद रसोई घर में ना जाए, नहीं तो आप भयंकर गरीबी और कंगाली का सामना करोगे। इसके बाद दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि जो औरत रसोई घर में रोटियां बनाते वक्त रोटियों को जला देती है, वो जानबूझकर कर रही है या उससे भूलवश हो रहा है। रसोई घर में रोटी का जलना साक्षात मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। ऐसे घरों में मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी वास नहीं करती, जिन घरों में स्त्रियां रोटी जला देती हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्णा अपनी भगवत गीता और कृष्णवाणी के मुताबिक कहते हैं कि जिस घर के रसोई घर के अंदर औरतें जूठे बर्तनों का जमवाड़ा लगा देती हैं, उस घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता, वो घर गरीबी का शिकार हो जाता है। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि जिस घर की औरतें अपने घर की मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखती और घर में कचरे को फैलाती हैं, घर की साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखती, घर का सामान व्यवस्थित नहीं है, घर का हर सामान अव्यवस्थित है, घर में जूते चप्पल कहीं बिखरे हुए हैं, घर के बिस्तर कहीं बिखरे हुए हैं, चारपाई कहीं और पड़ी है, तो ऐसे घर में भी मां लक्ष्मी नहीं आती। इसके बाद चाणक्य नीति में इस बात का जिक्र किया गया कि जिस घर के मंदिर में भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, घर का मंदिर धूल मिट्टी से भरा रहता है, घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाए जाते, घर के मंदिर में धूप अगरबत्ती नहीं की जाती,
वो घर का मंदिर कभी भी सकारात्मक ऊर्जा नहीं देता। उस घर में गरीबी और दरिद्रता हमेशा कायम रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की गरीबी और दरिद्रता समाप्त करना चाहते हैं तो आप अपने घर में ये काम भूल कर भी ना करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे चैनल से ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो।